पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, पीपी किट घोटाले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ झड़प करते हुए देखा गया। सरकार पर घोटाले का आरोप है और कई जिलों में घोटाले हुए हैं जिसको कांग्रेस उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष अब सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और जो पीपी किट और कोरोना किट को लेकर घोटाले हुए हैं उस पर विपक्ष अब सड़कों पर उतर आई है। कई जिलों से उत्तर प्रदेश के घोटाले की खबरें सामने आई जहां पर कई अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक जांच टीम भी गठित की गई है जिसको इस पूरे घोटाले पर जांच करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तरफ से सौंपी गई है। कार्यकर्ता कांग्रेस के इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश में पीपी किट को लेकर, कोरोना किट को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव टुडे पर। तो आप देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं को बसों में बस भरकर वहां से ले जाया जा रहा है। पीपी किट, कोरोना किट घोटाले के ये पूरी जो मामले उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आए हैं जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी का एक नमूना, एक तस्वीर आज भी लखनऊ से देखने को मिली। अबूतला हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़े हैं। अबूतला, सड़कों पर विपक्ष अब हर एक मुद्दे को लेकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना किट को लेकर, पीपी किट को लेकर घोटाले सामने आए हैं, इसी को लेकर कांग्रेस आज लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है। अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज के जीपीओ पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते वो विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि उनका साफ तौर से कहना था कि जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है और पीपीई किट का घोटाला हुआ था, थर्मामीटर का घोटाला हुआ था, उन सब मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि लगभग 40 से 50 कांग्रेस कार्यकर्ता थे पर पुलिस ने तुरंत उनको, पुलिस और उनके बीच झड़प भी हुई। झड़प के बीच पुलिस ने उनको बसों में भरकर इस वक्त इको गार्डन भेज दिया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया अबूतला आपका।